फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ रूट इन, बोलिएगा भाई। एक रूट है आपके पास अल्फा कि टेन पाई बाई एट, टेन पाई बाई एट। अच्छा टेन पाई बाई एट होता क्या है आप मेरे को बताइएगा, टेन पाई बाई एट क्या होता है? अच्छा पाई बाई फोर को आप क्या लिखते हो? पाई बाई फोर 45 डिग्री, तो पाई बाई एट क्या हो गया? 22 एंड हाफ। तो टेन 22 एंड हाफ क्या हो जाएगा? हाँ जी हाँ, ट्रिगो का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फेज हो गए हैं आपके, शाबाश जिन्होंने भी जवाब दिए हैं। ओके 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 ओके, तो ये हो रहा है कि रूट टू माइनस वन, तो अल्फा आपका आ गया है। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, वन माइनस और सॉरी माइनस का वन प्लस का रूट टू, तो बीटा क्या हो जाएगा इसका? बीटा हो जाएगा माइनस का वन माइनस का रूट टू, वही थोड़ी देर की जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा? इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन। अब हम आते हैं इक्वेशन पे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ सम ऑफ रूट आ गया है आपका माइनस का टू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। हाँ जी, ये इसके आंसर हो गया है।